पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से आम जनता को किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, पर पीएम ने सिर्फ बीजेपी की उपलब्धियां जरूर गिनाई लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं दिया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किरण चौधरी से हमारा सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता है, अब हरियाणा में गुटबाजी का कोई मतलब नहीं, सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। दिमाग में हमारी मुलाकात तो ऐसी बात है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं ये हमारे साथी विधायक हैं, हमारे दोस्त की धर्मपत्नी है, तो मेरे को मतभेद पड़ा ही था उनकी तरफ। ठीक होता ही है, मतलब शिष्टाचार की बात है और तो मतलब रिश्ता हमारा है, सामाजिक रिश्ता है उनसे, राजनीति की है हमारी पार्टी। मैं तो पहले भी नहीं किसी गुटबाजी में था और गुटबाजी का मतलब नहीं, अब तो चुनाव सामने है, सब चुनाव पार्टी पूरी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बहुत लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आएंगे, कोई बड़ी भारी घोषणाएं करेंगे, लेकिन कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, ना मुख्यमंत्री की तरफ से ना प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ, उन्होंने अपनी 100 दिन की उपलब्धियाँ बताई, वो एक अलग बात है कि हरियाणा के विपक्ष में कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई।